हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, पाइए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। तो ऐसे लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे एक लाल बटन बना होगा, अगर उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे चैनल पर आपको मिलेगा UPSI, BSI और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और उनसे संबंधित अच्छी से अच्छी PDF बिल्कुल फ्री। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे, आज एग्ज़ाम था 12 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि किसकी कितनी मेरिट जा सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही आसान था, तो अगर आपके 80+ नंबर नहीं आएंगे तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर भी एक कैटेगरी के अनुसार मैं आपको मेरिट बताना चाहूँगा कि कितनी मेरिट जा सकती है। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको जो अगर जनरल है तो आपकी मेरिट 88 से 93 के आसपास होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं OBC की, तो OBC की जो मेरिट है वो 83 से 88 के आसपास जाएगी। तो अगर आपकी मेरिट 88 के आसपास है OBC वालों, तभी आप सेलेक्ट होंगे, वरना सेलेक्ट नहीं होंगे। बात करते हैं SC ST वालों की, तो अगर आपकी मेरिट 75 से 80 के आसपास है तो आपके सेलेक्ट होने की उम्मीद होगी। तो ये था कैटेगरी वाइज डिवीज़न, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 80 से कम में सेलेक्ट होने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हैं। फिर भी मैंने आपको एक आंकड़ा बता दिया है कि इस आंकड़े तक आप सेलेक्ट हो सकते हैं। जनरल वालों के लिए तो 100% 90+ नंबर लाने होंगे, तभी उनके सेलेक्ट होने की उम्मीद होगी, वरना उम्मीदें बहुत कम हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत आसान था, फाइट करने वाले बच्चे बहुत थे और नंबर भी ज़्यादा आएंगे।